हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय लेक्चर। पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या क्या था? टेबल, टेबल तक हम पढ़ चुके थे, टेबल रिबन तक। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेटर्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे पिक्चर, पिक्चर को कैसे हमें इंसर्ट करना है, क्या नहीं करना है, मतलब इसके अंदर कुछ हमारे कुछ पिक्चर्स होती है तो वो हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे लेंगे पिक्चर? सबसे पहले आप पिक्चर पर इंसर्ट मेन्यू में जाकर आप यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, आपसे पिक्चर का एड्रेस पूछेगा, आपके अंदर पिक्चर यानी कि इसके पीसी के अंदर पिक्चर कहाँ है। जैसे मेरे कंप्यूटर में है, ई ड्राइव में एक वॉलपेपर नाम का फोल्डर है, तो उसके अंदर कुछ पिक्चर्स मिल जाएंगे। यदि तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं इसके अंदर, तो मैं ये पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मुझे ये वाली पिक्चर चाहिए तो इस पर क्लिक करके कहाँ क्लिक कर देंगे आप, इंसर्ट, तो मेरे कंप्यूटर में वो पिक्चर्स आ जाएगी। ये देखिएगा पिक्चर आ चुकी है। ओके, जैसे मैंने इस पिक्चर पे क्लिक करा, आप देख लोगे पिक्चर से रिलेटेड कुछ ऑप्शन आ गए। जैसे यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कर सकते हैं, हमें किस तरह का हमें पिक्चर लेना है, इस टाइप से पिक्चर बनाना है, देख रहे हैं आप। इसके बाद कलर कैसा करना है, हमें इसका कलर ऐसा करना है, तो कलर ये से हो चुका है। ओके, आर्टिस्ट इफेक्ट डालना है तो यहाँ से कुछ इफेक्ट भी डाल सकते हैं, तो ऐसे ही इफेक्ट हो जाएगा। ओके, ये रहा नॉर्मल इफेक्ट ही होगी, तो कुछ भी इफेक्ट आप पिक्चर डाल सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे होना था चेंज पिक्चर। पिक्चर अगर हमें चेंज करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मान लो इसकी जगह हमें दूसरी पिक्चर रिप्लेस करनी, हमें कौन सी पिक्चर लेनी, ये वाली, तो इस पर क्लिक करके इंसर्ट, तो देखो इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी। ओके, इसके बाद जो आता है नेक्स्ट, रिसेट पिक्चर, यानी कि पिक्चर पे जो भी हमने चेंजेस किए, जैसे हमने कलर ले लिया, अब हमें पिक्चर को ऐसे ही करना है, तो आप इसको रिसेट पिक्चर पर क्लिक कर देंगे तो ओरिजिनली वही पिक्चर आ जाएगी। इसके बाद आता है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में आपको किस तरह का स्टाइल ऐड करना है, तो यहाँ पे हम पिक्चर स्टाइल ले सकते हैं। ये रहे यहाँ पे, इसके अंदर किसी भी स्टाइल्स में आप ले सकते हैं, देखिएगा ये पिक्चर स्टाइल आ चुका है। उसके बाद पिक्चर बॉर्डर, यहाँ पिक्चर का बॉर्डर मैंने क्या ले लिया, रेड ले लिया। ओके, इसका पिक्चर इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट डालना है, तो यहाँ पर हम इफेक्ट ले सकते हैं, देखिएगा इफेक्ट आ चुका है। ओके, पिक्चर लेआउट हमें किस में शो करनी है, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। मान लो मुझे इस डायग्राम में रखनी, तो देखिए इस डायग्राम में आ जाएगी, और यहाँ पे कुछ ड्राइव में टाइप करना हो, जैसे मैंने टाइप कर दिया MB इंडिया। ओके, तो ये मेरा पिक्चर, और इसके अंदर यहाँ पे कुछ कलर्स वगैरह किस स्टाइल्स में लेने, वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। ये रहा यहाँ पे। ओके, और लिखना है कंटेंट, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने अगला जो कंटेंट टाइप किया वो क्या कर दिया मैंने, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, अगला कंटेंट मैंने टाइप करा क्या, गूगल। इनके अंदर भी हम पिक्चर लगा सकते हैं, तो हमें यहाँ पिक्चर पर क्लिक करना होगा। ये पिक्चर सिंबल देख रहे हैं पिक्चर का, जैसे ये वाला सिंबल देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्लिक करने से, और फिर कहाँ क्लिक करेंगे आप, ट्राइगन। ये ऑनलाइन चलता है, अगर इसको ऑफलाइन यूज करना है तो यहाँ पे लिखा रहा है आपका वर्क ऑफलाइन, यहाँ पर क्लिक करके आपको जो पिक्चर लेना हो पिक्चर ले सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे वर्क ऑफलाइन, फिर इसके बाद में जो भी पिक्चर लेना है, जैसे ये ले लिया। ओके, तो इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं पिक्चर से। इसको डिलीट करना है, फिर सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट की दबा देंगे तो आपके डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका यहाँ पे शेप। ऑनलाइन पिक्चर आपका ऑनलाइन चलेगा। ओके, मेरे पीसी में अभी नेट कनेक्ट नहीं है, तो आप इसको इंटरनेट पे क्लिक करने से, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ट्राई अगेन की जगह यहाँ पे सर्च आएगा, जो भी आप पिक्चर ढूंढना चाहते हो वो नाम डाल देंगे, आपके पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ आपको पता ही है, आपको शेप्स बनाने के लिए आपको जो भी शेप बनानी है, इसको ड्रा किया माउस से इस तरह से, तो आप यहाँ से इस तरह से शेप को ड्रा कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे शेप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये रहा शेप स्टाइल चेंज हो चुका है। यहाँ पे इसके अंदर कलर फिल कौन सा करना है, यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं, आउटलाइन ले सकते हैं, आउटलाइन का कलर मैंने येलो ले लिया, और शेप इफेक्ट यहाँ से इफेक्ट। ओके, ये चीज है रिफ्लेक्शन डालने के लिए, रिफ्लेक्शन होता है, ये देखिएगा रिफ्लेक्शन। ओके, इस तरह से रिफ्लेक्शन एड कर सकते हैं हम इसके अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद और क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर हम पिक्चर के अंदर, इसके अंदर जैसे मैंने शेप बनाई, इसके अंदर मैं कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकता हूँ। हाउ, दिस कैसे, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक चीज आएगा इसके अंदर, यहाँ पे ये तो आउटलाइन हो गया, फिल, फिल में जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिक्चर आ रहा होगा, और फिर कहाँ क्लिक करेंगे, वर्क ऑफलाइन, आपको जो पिक्चर चाहिए इस पे क्लिक कर दिया, ये वाली पिक्चर चाहिए इस पे क्लिक करके आप इंसर्ट कर देंगे, तो देखिए वही पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी, देख रहे होंगे आप। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी शेप बना के उसके अंदर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ पे ये लिया, हमने ये बनाया, ड्रैग किया ट्रायंगल, यहाँ पे फिल, यहाँ पे इसके अंदर और भी ग्रेडेड जो भी आपको टेक्सचर चाहिए वो ले सकते हैं। टेक्सचर चाहिए तो आप टेक्सचर भी ले सकते हैं, टेक्सचर दिया हुआ है आपको किस टाइप का टेक्सचर चाहिए, ये रहा, ये हमने टेक्सचर ले लिया है। ओके,
नेक्स्ट जो आता है आप इसके बाद में यहाँ पे स्मार्ट आर्ट, यहाँ पे क्लिक किया हमने। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको किस तरह का स्मार्ट आर्ट चाहिए, मुझे ये वाला स्मार्ट आर्ट चाहिए, इस पे क्लिक करके क्या कर देंगे। ओके, अब देखिएगा, पहले मैं पीछे का कंटेंट डिलीट कर देता हूँ। ये रहा, मैंने क्या टाइप किया यहाँ पे, मान लो ए, यहाँ पे टाइप कर दिया इसके अंदर क्या बी बी। ओके, यहाँ टाइप कर दिया मैंने सी सी सी, यहाँ पे डी डी। इस तरह से आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का डायग्राम लेना तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ओके, कलर वगैरह चेंज करना हो यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं इसके अंदर। और भी हैं बहुत सारे डायग्राम जो आप देख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट यहाँ पे लिया हमने, कौन सा ये वाला ले लिया। यहाँ से क्या करेंगे, बेंडिंग पिक्चर एक्सेस लिस्ट, यहाँ पे ये लेवल के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा कौन सी जैसे एमवे, फिर कौन सा कंपनी करा मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, फिर कौन सा करा मैंने यहाँ पे जा गूगल। ओके, यहाँ पर पिक्चर ले सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया वर्क ऑफलाइन, यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया वर्क ऑफलाइन, फिर यहाँ पे पिक्चर ले लिया मैंने इसके अंदर, यहाँ पे डबल क्लिक किया वर्क ऑफलाइन, इस तरह से यहाँ पे हमने पिक्चर ले लिया। ओके, तो इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं, और यहाँ पे आप स्टाइल भी चेंजेस कर सकते हैं आप। ठीक है, ये इस तरह से हम पिक्चर यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद अब जो नेक्स्ट आता है इसमें आपका, वो आता है चार्ट। यहाँ पे चार्ट पर क्लिक किया, चार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको किस टाइप का चार्ट चाहिए, मुझे इस टाइप का चार्ट चाहिए, ये आपको कॉलम में ये में मुझे ये वाला चार्ट चाहिए। ओके, यहाँ से क्या कर देंगे, चार्ट के और भी टाइप हैं, ये मैं एक्सेल में डिस्कस करूंगा, फिलहाल तो यहाँ पे नॉर्मली इसको हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको समझ आ जाए। इसके बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद में आपको ये आ जाएगा, तो ऊपर एक्सेल स्क्रीन खुल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा नेम, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट टाइप करे सी, फिर आगे सी प्लस प्लस, फिर मैंने यहाँ पे टाइप करा पाइथन। ओके, फिर मैंने यहाँ पे नाम टाइप करे डेनिश मार्टिन एंड रिचर्ड। ओके, इसके बाद जेम्स। ओके, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे नाम आ गए और यहाँ पे सब्जेक्ट के कलर्स आ गए। अब यहाँ पे हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनके मार्क्स टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे जिस तरह से हम इसके मार्क्स, ये इस तरह से ये इनके मार्क्स होंगे, और ये डायग्राम में दिखाने के लिए इसके अंदर किस तरह के आपको मार्क्स शो करने। आप देख रहे होंगे इसमें सबसे ज्यादा कम मार्क्स किसके हैं, डेनिश के हैं। वो सब्जेक्ट क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है पाइथन। कितने मार्क्स हैं आप देख सकते हैं, 2 मार्क्स। ओके, यहाँ पे 2 मार्क्स हैं, यहाँ पे इसके मार्क्स कितने हैं, तो ये देख रहे होंगे मार्क्स इसके सबसे कम आए, कितने आए थे, अब तो ठीक हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले ये ब्लू कलर किसका है, सी का है, सी लैंग्वेज का है, और सी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा देखिए डेनिश ने 2 सब्जेक्ट में बाजी मारी है, जिनका नाम क्या है, सी एंड पाइथन। आप देख सकते हैं ये देखिए 65-65 इक्वल है। मार्टिन के सबसे ज्यादा कम सी में है, आप देख सकते हैं मार्टिन में 25 है, यहाँ पे देख सकते हैं सी में, और सबसे ज्यादा मार्क्स में इसके सी प्लस प्लस में, आप देख रहे हैं सी प्लस प्लस, और इसमें 47 है। इसमें जेम्स के सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स हैं, और वो किस में, पाइथन में, आप देख सकते हैं पाइथन में इसके 85 है। तो इस तरह से हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, या यदि आप इसको वर्ड में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे वर्क स्पेस में, तो ये आपके इसमें इंसर्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे चार्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, आपको किस तरह का चार्ट चाहिए, ये चार्ट डायग्राम दिया हुआ है, आपको जिस तरह का चार्ट चाहिए वो भी डायग्राम आप ले सकते हैं। ओके, ये चार्ट टाइटल्स हो गए। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट। यदि मुझे कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे डेस्कटॉप आ जाएगा। आपको किसका स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे मुझे प्रिंट हेलो का स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर लूंगा, तो यही क्या हो जाएगा, एक तरह से कैप्चर होके आ जाएगा। देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट आ चुका है। ओके, तो हमने आज इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पे इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। ओके व्यूअर्स, आई होप अंडरस्टैंड ऑफ दिस वीडियो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर ऑफ माय वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन बॉक्स। इफ यू आर न्यू यूजर तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग ऑफ दिस वीडियो। ओके व्यूअर्स, बाय बाय।